Assalamu alaikum student, welcome to Literature Official. Today we are going to cover from Pakistani literature a story by Sabine Javari and then the world changed. So if we see the title and then the world changed, we what we can see is a story कोई हमें ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई गई है कोई चेंज बताया गया है कि किस तरीके से जो है किसी की वर्ल्ड चेंज हुई है ठीक है और अब वो हम जब हम इसकी समरी को कवर करेंगे देन वी विल नो दैट हाउ द वर्ल्ड चेंज एंड राइटर ने किस टाइप के जो वर्ल्ड है किस टाइप के जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसका जिक्र किया है ठीक है इस वीडियो में हम लोग समरी एंड इसके करेक्टर करेक्टर जो हैं उसको डिस्कस करेंगे इसके बाद जो एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड की जाएगी उसमें आपको इसकी क्रिटिकल एनालिसिस इसमें इसके थिम्बल्स थीम्स एंड डिफरेंट uh, इसके जो लिटरेरी करेक्टर्स हैं वो डिफाइन की जाएंगी तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड वॉच इट सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद दी सो द स्टोरी कार इन दीट ऑफ ओल्ड कराची एंड ऑफ पाकिस्तानी बिहेवियर गोज अरा कार ठीक है सो एक स्टार्ट uh, किस तरीके से हो रही है हमारी स्टोरी के एक जो एक कार न्यू कार वो एक ओल्ड मोहल्ला है कराची का और वहाँ पे वो कार इंटर हो रही है और फिर हम उसमें क्या देखते हैं बहुत ज्यादा पाकिस्तानी बिहेवियर उसमें हमें राइटर ने रिप्रजेंट किया है अब वो पाकिस्तानी बिहेवियर किस टाइप का एक Full of curiosity, children are running after it, shouting about it, want to touch it. एंड स्टार्ट गिविंग डरेक्शन ठीक है और जब भी कभी को ऐसी कोई भी न्यू गाड़ी आती है किसी भी नए मोहल्ले में तो क्या होता है ऐसे ही बच्चे जो है उसके बिल्कुल इर्द गिर्द जो है जमा हुए हुए होते हैं और जो लोग होते हैं वो भी उसके गिर्द जमा हुए हुए होते हैं और डायरेक्शन दे रहे होते हैं ठीक है शाउट कर रहे होते हैं ये सारी चीजें राइटर ने अपनी स्टोरी के अंदर दिखाई है क्योंकि एक ओल्ड मोहल्ला है और वहाँ पे फर्स्ट टाइम ये कार आई है ठीक है

क्या होता है कि गाड़ी कहीं बंप हो जाती है कहीं वो उससे टकरा जाती है और फिर वो बंद हो जाती है ठीक है और ड्राइवर भी फिर उसको वहीं छोड़ देता है कि ये बेस्ट स्टॉप है उस क्योंकि वो उससे आगे उसको नहीं लेके जा सकता है ठीक है सो नेक्स्ट हम क्या देखते हैं हमें करेक्टर इंट्रोड्यूस होते हैं अब वो क्या है वन मुन्ना सान टू वर्ड द शाउटिंग होम शारंकल बॉबीड एंड सो मच एक्साइटेड टू सी अन यूर कार ठीक है अब मुन्ना हमें दिखाया गया है वो बहुत ज्यादा खुश है कि अंकल बॉबी आ गए हैं और उनके जो कार वो और भी कम ठीक है मुनीराज ने बट स्पेंड मोस्ट ऑफ हर टाइम इन मुन्नाज हाउस एंड मुन्नाज टीज है, है था। 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 Munira, neighbor, house, her, हम देखते है मुनीरा जो है वो भी उसके नेबर में रहती है लेकिन वो क्या है कि मुन्ना के घर में रहती है और मुन्ना हमेशा जो है उसे टीज करते रहता है ठीक है देन अम्मी के अमाउंट एंड लक्ष्मी के अमाउंट व थाली ऑफ पूजा टू तो वार्ड ऑफ दिल आय फ्रॉम द कार ठीक है अब हमने देखा कि डिफरेंट कम्युनिटीज के पीपल उसमें उस मोहल्ले में, उस में रह रहे हैं तो अम्मी जो मुन्ना की मदर है वो भी आई है और लक्ष्मी जो है वो पूजा की थाली लेते हुए आई है कि वो कार की नजर उतारेगी कि वो बुरी नजर से बच जाए ठीक है ऑल दिटीजनिटी दैटर नेबरहुड और इसी तरीके से बाकी जो मोहल्ले के लोग हैं वो भी उस कार को देखने आए हैं ठीक है ठीके? और उससे इम्प्रेस्ड हो रहे हैं उसको और न्यू उस एक न्यू चीज आई है तो सब को वो देखने आ रहे हैं

हम क्या देखते हैं कि कार के, के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा उसको एडमायर कर रहे हैं उसको कुछ लोग उसको क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं लेकिन मोस्टली जो पीपल हैं उसको एडमायर कर रहे हैं ठीक है और देन द ऑल कैम अराउंड टू इट एंड लिसन टू द बीबीसी न्यूज़ फॉर द कार रेडियो अब बीबीसी न्यूज़ के उसने राइटर ने डिस्कस किया है कि दोपहर में सब लोग काम पे जाते हैं मर्द हजाद तो फिर वो रात को सब जमा होते थे और वो रेडियो से बीबीसी न्यूज़ को सुनते थे क्या करती थी कि जब वो कार में जाती थी तो वो उसके जो आ, कार के जो ग्लास थे उनको अपने दुपट्टा से कवर कर लेती थी और फिर वो क्या करती थी सॉन्ग सुनती थी एंड मैन क्या करते थे वो न्यूज सुनते थे ठीक है मेन चीज़ों को अपने जहन में रखें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इसकी थिंकिंग है और इसमें हमें बहुत ज़्यादा मेन पॉइंट्स भी मिलेंगे तो इसको हमें जहन में रखना है ठीक है वाल द मैन गैदर अराउंड एट नाइन एट पीएम एंड बॉबी अंकल सेट द रेडियो टू वर्ल्ड सर्विस एंड लिसन टू द बी न्यूज अब बॉबी अंकल उस कार के ड्राइवर थे तो बॉबी अंकल उसको होल्ड करते थे एंड बॉबी अंकल जब रात के नौ बजते थे लोग सब जमा हो जाते थे तो वो उस रेडियो को सेट करते थे और फिर वो लिसन uh, करते uh, सुनते थे बीबीसी न्यूज को अंकल बॉबी इज लाइक टू द सुपर हीरो मैन कम्युनिटी टर्न द न्यूज ऑन एंड डिस्कस इट विद द अदर पीपल अब एक सुपर हीरो वो बन चुके थे मैन कम्युनिटी में क्योंकि वहाँ पर एक uh, लोगों से बहुत ज़्यादा तबादला करते थे वो बातें करते थे जो डिस्कस करते थे न्यूज़ के अंदर जो भी हो रहा होता है तमाम चीज़ों को वो एक दूसरे के साथ डिस्कस करते थे ठीक है then radio started its work it started changing the pleasantry environment into the negative one तो अब हम क्या देखते हैं कि स्टोरी किस तरीके से हमने स्टार्टिंग में राइटर हमें दिखाता है कि सारे जो डिफरेंट कम्युनिटीज के पीपल हैं वो एक साथ रह रहे हैं ठीक है लेकिन क्या हुआ है आस्ता आस्ता उसमें आ, पीपल्स के बिहेवियर में चेंज आता जा रहा है अब वो चेंज किस वजह से आ रहा है द रेडियो वो चेंज कौन लेके आ रहा है रेडियो लेकर आ रहा है और अब क्या हुआ है द रेडियो स्टार्टेड इट वर्क इट स्टार्टेड चेंजिंग द एनवायरनमेंट अब जो वहाँ का जो एक खुशगवार माहौल था उसको एक उसको बिल्कुल इसने नेगेटिविटी में चेंज कर दिया क्या हुआ जब लोग आना शुरू हुए और जो बॉ अंकल बॉबी की कार गोद में मुन्ना बैठ जाता था और फिर वो वहाँ की न्यूज़ सुनते थे जो ज्यूज एंड पार्सिस होते थे वो भी जो है लोग जल्दी आते थे कि उनको सीट मिल सके या फिर वो ज्यादा से ज़्यादा करीब रेडियो के बैठ सकें ये सारी चीजें राइटर ने स्टोरी के अंदर दिखाई है और फिर वहाँ के एक चेंज दिखाना शुरू किया ठीक है थीके? अब वो चेंज कैसे आ रहा है वो लोग जब उस न्यूज़ को सुनते हैं तो फिर एक दूसरे में वो न्यूज के लेके ले आ रही है नेगेटिविटी लेकर आ रही है न्यूज वॉज ऑल अबाउट ब्लेमिंग ऑफ हिंदूज एंड वेस्ट वॉज बिहाइंड ऑल इन देयर नेबरहुड अब न्यूज क्या थी उस न्यूज में क्या आता था कि ज्यादा से ज्यादा वो हिंदूज को ब्लेम कर रहे होते थे और जो वेस्ट कल्चर जो था वो क्या समझते थे कि जो वेस्ट है यही सब बुराइयों की जड़ है ठीक है इन्हीं की वजह से सब कुछ खराब हो रहा है लेकिन न्यूज में ज्यादा क्या होता था कि वो हिंदूज को ब्लेम कर रहे होते थे अब the the uh, वो एक मुस्लिम मोहल्ला था तो माइनॉरिटीज क्या हो गई बहुत ज्यादा हो गई उनसे खौफ ज्यादा रहने लगी और लोगों के दरमियान जो है एक गेप आना शुरू हो गया ठीक है पहले जिस तरीके से लोग मिलजुल के रहते थे अब ऐसा नहीं है अब क्या हुआ है एक दूसरे से लोग Um, दूर दूर रहना शुरू हो गया जहाँ एक दूसरे के साथ मिलके बैठते थे अब वो एक साथ नहीं बैठते हैं जहाँ पे वो लोगों से एक दूसरे से शेयर करते थे अब वहां पे ये चीजें खत्म होती जा रही हैं कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट गोइंग ऑन बिटवीन द पीपल इन टॉलरेंस इन स्टार्ट राइजिंग लक्ष्मी नाउ लॉन् लॉन्गर गोज टू मुन्नास हाउस बिकॉज ऑफ द ब्लेमिंग न्यूज पीपल स्टॉप

दिलों में बैठ रहा है और वो अब एक दूसरे से हेट करना स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है ठीके? एक दूसरे के um, से क्या है उनके दरम्यान फास लेते जा रहे हैं ठीक है द रेडियो स्प्रेड द डिस्टेंस बिटवीन दैम ऑल दर लिविंग टूगेदर विदाउट हार्मिंग चीज है वर्ल्ड और कीप डिस्थ ईच अदर ठीक है अब क्या हुआ है कि वो सब लोग एक साथ तो रह रहे हैं लेकिन वो किसी को हार्म नहीं कर रहे लेकिन फिर भी एक खौफ है और यही जो है राइटर दिखाना चाह रही है कि किस तरीके से एक रेडियो ने आके उन लोगों के दरमियान खौफ को बढ़ाया और उनके उस कम्यूनिटीज के दरमियान उन कॉन्फ्लिक्ट को राइज किया और उन उस रेडियो ने बताया कि वो एक एक दूसरे से अलग हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं उनका लिबास उनका कल्चर उनका मजहब सब डिफरेंट है तो उन्हें एक दूसरे से हेट करने चाहिए ठीक है तो ये चीजें किस चीज़ ने बताई रेडियो ने ठीक है और ये एक हमारा एक मेन सिंबल भी है बिकॉज़ इसमें एक राइटर क्या रिप्रेजेंट करना कि किस तरीके से जो पावरफुल थिंग है वो लोगों को एक दूसरे से अलग कर रही है ठीक है वो लोगों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ा रही है वो रेसिसिजम को इंट्रोड्यूस करवा रही है वो एक दूसरे को हार्म कर रही है और इसी तरीके से लोगों ने एक दूसरे से मिलना जुलना छोड़ दिया है और फिर इस और जो वहाँ का जो मोहल्ला था और वो जो उनकी वर्ल्ड थी वो चेंज हो गई है अब वहाँ पे लोग एक दूसरे के दिलों में क्या है उनके दिलों में हेट है और वो एक दूसरे से दूर हैं एक दूसरे से फासला रख रहे हैं द रेडियो स्प्रेड द डिजीज एंड नाउ दीपल स्टार्ट डिडिंग इन टू ग्रुप्स दे आर नाउ प्राउडली मेकिंग देर डिफरेंट आइडेंटीज ठीक है

Munna who has a, who is a little child was not able to understand all this okay अब मुन्ना का एक राइटर ने मेन इन्फ्लुंस दिखाया कि मुन्ना जो इस सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है वो उसे समझ नहीं आ रही है कि जब से पहले सब मिलजुल के रहते थे अब ऐसा क्या हुआ है कि लोग एक दूसरे से मिलना छोड़ रहे हैं और लोगों ने एक दूसरे के पास आना छोड़ दिया एक दूसरे के साथ बैठना छोड़ दिया एक दूसरे के घरों में आना छोड़ दिया और ना एक दूसरे के साथ कुछ शेयर करते हैं और ना उसके घर में लक्ष्मी आती है क्यों अब वो इन सब चीज़ों से डिस्टर्ब है और वो क्या देख रहा है कि लोग एक दूसरे से हेट कर रहे हैं अब बट उसके लिए ये सब मुश्किल हो रहा है वो ये हेट नहीं करना चाह रहा वो किसी से भी वो वही वापस जाता है वही अपनी वर्ल्ड जाता है जैसे उसकी पहले वर्ल्ड थी तो मेन इसमें किसकी वर्ल्ड चेंज हुई है मुन्ना की वर्ल्ड चेंज हुई है बिकॉज एक पूरा सिस्टम एक पूरी जो कॉलोनी उनकी एक पूरी जो कम्युनिटी थी वो बिल्कुल चेंज हो गई बिकॉज ऑफ द रेडियो He was so confused to choose home to hate or home to love, ठीक है? उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि वो किससे प्यार करे और किससे नफरत करे, because वो उसके condition को नहीं समझ पा रहा था। He didn't understand all the scenarios, but still he has to hate the other people who are different from him because his elders are doing so. Because अब क्या हुआ है? एक मुन्ना एक little child है और उसको नहीं पता कि वो किससे हेट करे और किससे जो है लव करे और उसको समझ भी नहीं आ रही ये तमाम चीजें क्या हो रही हैं लेकिन उस क्या हुआ है कि उसके जो एल्डर्स थे उन लोगों ने एक दूसरे से मिलना जुलना छोड़ दिया है एक दूसरे के डिफरेंट आइडेंटिटीज बना ली हैं अब वो एक दूसरे से हेट कर रहे हैं उसके एल्डर्स तो लेकिन ये सब चीजें मुन्ना के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड है ठीक है हार्ड टू एक्सेप्ट ही हैज़ टू ब्लेम दैम

बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया है और डिस्टेंस भी आ गया है लोगों के दरम्यान और वो एक दूसरे से अब अलग अलग अपनी आइडेंटिटीज रेप्रजेंट कर रहे हैं ठीक है सो दिस इज दी ऑफ द स्टोरी एंड नाउ टूवर्ड्स द करेक्टर्स सो द मैन करेक्टर्स मुन्ना लक्ष्मी एंड अंकल बोबी देस आर द मैन करेक्टर इन द स्टोरी सो फर्स्ट ऑफ ऑल कवर द मुन्ना मुन्ना इज एन इनोसेंट चाइल्ड राइटर represent him as a innocent one because I, he is a child and the child is always innocent mm -hmm. writer haven't described any physical feature of Munna because she wants the reader to create imaginative qualities of the character and the name Munna give our mind the imaginative hint on how the character is okay? so writer ne uska koi ek, uh, specific name जो क्वालिटी है जो उसने सिर्फ़ एक कौन सा नेम रखा है मुन्ना जो के बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमनली है इन आवर कम्युनिटीज़ के हम जो छोटा बेबी होता है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा मुन्ना ही बोलते हैं ठीक है सो राइटर so, ने ना उसके कोई फिज़िकल फीचर बताए हैं ना ही हमें कुछ और उसके बारे में इंट्रोड्यूस करवाया है बल्कि ये राइटर ने हम रीडर्स <laughs> के ऊपर जो है छोड़ा है कि हम उसको

के एक अमेरिका क्या है एक पर्सन है उन्हें क्या लगता है कि अमेरिका एक पर्सन है जो कि उनके गटर की जो लीड्स हैं वो रात को चुरा लेते हैं ठीक है पॉइंट ऑफ द स्टोरी दैट वी हैव अ लॉट ऑफ मुन्ना मुन्ना इज नॉट वन करेक्टर मुन्ना इज द रेप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूट्रल ठीक है मुन्ना एक uh, किसको रेप्रजेंट कर रहा है बिल्कुल वो एक न्यूट्रल करेक्टर है ठीक है वो एक uh, कोई स्पेसिफिक करेक्टर नहीं है बल्कि वो एक हमारी कम्युनिटी का ही एक कोई मेंबर राइटर ने रेप्रजेंट किया है ठीक है ही इज द द ऑफ ऑल मुन्ना एंड चिल्ड्रेन इन पाकिस्तान हु 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 आर इनोसेंट थिंक दैट द इज अ पर्सन थिंक दैट मुनेरा इज वेरी स्मार्ट एंड ही थिंक दैट ही शुड गो टू स्कूल Who think sitting in his uncle car is something prestigious? ठीक okay? है ये आ, कुछ आ, एक चाइल्ड के बिहेवियर चाइल्ड का रिप्रेजेंटेशन की भी ये राइटर ने और बिकॉज़ वो एक पूरा जनरल में बात करना चाह रही है और तो उन्होंने एक मुन्ना के तौर पे हमें एक मुन्ना के वे के थ्रू हमें दिखाया कि किस तरीके से जो हर चाइल्ड जो है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट आ, इनोसेंट है लेकिन उसको कुछ भी जो जो उसके उसके सराउंडिंग्स में या भी क्लैश चल रहे हैं सराउंडिंग वो उसको नहीं पता वो उस चीजों के काबिल नहीं है कि वो इन चीज़ों को समझ सके ठीक है वी डिस्ट्रॉय गिविंग द स्ट्रेट व्यूज वी आर टेकिंग अवे देयर चॉइसिस ठीक है अब हम क्या कर रहे हैं हम उन मुन्नाज या जो भी चिल्ड्रेंस हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और उनकी च्वाइस को लेकर ठीक है अब एक एक ऐसा बच्चा जो कि एक पूरी कम्युनिटी के अंदर रह रहा है जहाँ पे सब मुख्तलिफ लोग एक दूसरे के साथ आपस में मिलकर रह रहे हैं जहाँ जा, पे उसको नहीं पता कि ये लोग मुझसे अलग हैं या मुझे इनसे प्यार करना चाहिए या फिर मुझे इनसे हेट करनी चाहिए लेकिन हम एल्डर्स क्या करते हैं कि हम उन एल्डर्स को बताते हैं कि हम एक दूसरे से मुख्तफ हैं ठीक है थीके? और इसी बेस पे हमने उस, उनको क्या सिखाते हैं अपने चिल्ड्रेंट को कि हमें हेट करनी है या हमें नहीं करना लेकिन यही चीजें जो है राइटर इधर हाईलाइट करना जा रहा है वी हैव अ लॉट ऑफ मुन्ना इन अवर सोसाइटी एंड वे व्हाट वी डिड वी व्हाट वी जस्ट वी जस्ट चेंज देम वी मेक देम हेट मुन्ना वॉज लिविंग पीसफुली एवरीबडी जूस पार्सियन द मीडिया फॉर्म ऑफ रेडियो स्टार्ट पोल्यूटिंग एवरीबॉडी माइंड ठीक है मुन्ना जो एक पीसफुली वर्ल्ड में रह रहा था तमाम लोग उसके साथ रह रहे रह थे लेकिन देन क्या हुआ मीडिया आया और मीन्स uh, रेडियो आया और उसने जो है हर किसी का जो माइंड जो है वो पोल्यूट करना स्टार्ट कर दिया ठीक है all the children are not, not born with misogynistic idea they are not born with the racism in their mind we teach them we change them and then the world change okay now, is a child कभी भी मुझे आइडियाज के थ्रू बोर नहीं होता उसको नहीं पता होता कि वो मुख्तलिफ है या लोग उससे मुख्तलिफ हैं या उसको किससे हेट करनी चाहिए उसको ये भी नहीं पता होता ना उसको रेसिसम का पता होता बल्कि हम हम जो होते हैं एल्डर्स वो हम अपने बच्चों के अंदर ये चीज़ें डालते हैं कि ब्लैक है या वाइट है या वो दूसरे कल्चर से है दूसरे रिलीजन से है तो वी है डिट फ्रॉम ठीक है चिल्ड्रंस को सिखाते हैं ठीक है और उनके जो वर्ल्ड है उनको एक पूरे वर्ल्ड देने के बजाय उनके वर्ल्ड को बहुत ज्यादा स्पेसिफिक कर देते हैं ठीक है देर इज अलॉग ऑफ हर करेक्टर इज ऑपरेस्ट ठीक है लक्ष्मी का हम देखते हैं कि आ, उसका कोई भी डायलॉग स्टोरी के अंदर नहीं है बाकी जो माइनॉरिटीज पीपल हैं जैसे जूस पारसी हो गए इनकी भी अगर हम देखें तो वो उनके भी कोई डायलॉग मोस्टली डायलॉग्स नहीं है ठीक है इसमें राइटर ने इन लोगों को ऑपरेस दिखाया अब ऐसे जिनके माइनॉरिटीज को रिप्रजेंट कर रहे हैं ठीक है अप्रेस करेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मीन्स जो है ये एक मुस्लिम मोहल्ला है तो राइटर ने अपने जो राइटिंग के थ्रू भी एक उस मोहल्ले की के किस तरीके से जो माइनॉरिटीज को है वो अप्रेस्ड किया जाता है ठीक है तो इधर भी स्टोरी के अंदर अगर हम देखें तो माइनॉरिटीज को कोई भी वॉइस नहीं दी है राइटर ने तो ये भी एक राइटिंग वे है टू रिप्रेजेंट दैट दैट द द आर इज माइनॉरिटीज वन ठीक है वो एक माइनॉरिटी है और उधर के उनको ज्यादा से ज्यादा उनका होल्ड किसका होल्ड होता है जो कि वहां के रूलर्स होते हैं ठीक है लक्ष्मी हु डिडंट डू एनीथिंग नॉट स्पीक नॉट डू एनीथिंग बट स्टिल मुन्ना स्टार्ट टू अवॉइड हर बिकॉज ऑफ द रेडियो ठीक है लक्ष्मी एक हिंदू कम्युनिटी uh, की मेंबर है ठीक है वो पहले उसके घर भी जाती थी, थी और मुन्ना के साथ लेकिन अब क्या हुआ है जिस जब से रेडियो आया है तो मुन्ना ने उसको अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया लक्ष्मी ने भी उसके घर जाना बंद कर दिया है ठीक है अब उनके जो फैमिली के अंदर गैप आ गया है द पीपल इन द स्टोरी लाइक पारसी पास हिंदूज दे आर नॉट डूइंग एनी थिंग नो एनी डायलॉग विद वॉज देअर ना इधर दे अदर दिस इज ऑल डन बाय द गवर्नमेंट दे प्रोवोक द पीपल दैट यू आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर दैट यू हैव टू हेयर रीच अदर ठीक है अब लक्ष जो दूसरे माइनॉरिटीज पीपल्स हैं लाइक पारसी जूस हम इसमें भी देखते हैं कि इनका भी कोई डायलॉग नहीं है स्टोरी के अंदर और इन्होंने भी डिसाइड नहीं किया कि वेदर दे हैव हाँ टू ही आ, Each other or they love to each other. लेकिन ये सब फिर भी होता गया किसकी वजह से बाय द गवर्नमेंट अब गवर्नमेंट किस को रेप कहा से आई है radio. Radio में क्या हुआ है कि हमने देखा कि रेडियो के अंदर पॉलिटिकल न्यूज या आ, चल रही थी जहाँ पे हिंदूज को ब्लेम किया जा रहा था और जहाँ पे जो पोलिटिकल पार्टीज के जो ये डिफरेंट न्यूज उसमें सुनाई दी जा रही थी ठीक है तो जिस तरीके से मीडिया एक पावरफुल सोर्स है इसी तरीके से अगर हम देखें तो हमारी वर्ल्ड के अंदर जो एक गवर्नमेंट है उसका एक पावरफुल होल्ड है हमारे ऊपर ठीक है हमारे रूलर्स का हमारे ऊपर बहुत ज्यादा होल्ड है अब इस स्टोरी के अंदर क्या दिखाया है राइटर ने कि एक शैविक कार आई है अब एक पूरा एक ट्रेडिशनल हमारा एनवायरनमेंट है लेकिन वहां पर एक वेस्ट की चीज आई है तो वेस्ट की चीज एक पावर या होल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है सो जब वो पावर एंड होल्ड हमारे पास है मीन्स जो रूलर हैं वो हमारे ऊपर आए हैं और उन्होंने फिर हमें क्या दिखाया कि वी आर डिफरेंट हम एक साथ नहीं रह सकते हैं ठीक है हमें एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहिए और उन्होंने ये चीजें किसके थ्रू रिप्रेजेंट की उस मीडिया के थ्रू रिप्रेजेंट की उस रेडियो के थ्रू और फिर इस तरीके से उन्होंने प्रोवोक करना स्टार्ट किया दैट यू आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ओके In the Muslim community, Muslim decide about the minority section. Same as in the Hindu community, they decide about the Muslims because the party of the majority decide what to do with the others. And this is also the story they are telling. The minorities are always oppressed because they have no power, no voice, and no appearance. Okay? So, this is I the writer has writing style maybe represent because not. किस तरीके से कि उनको कोई भी डायलॉग नहीं दिया है और उनका कोई भी वैसे उनको इम्पोर्टेंस नहीं है लेकिन वो एक उस स्टोरी के अंदर मौजूद हैं लेकिन उनको कोई एक मेन प्लेस नहीं दी गई है ठीक है सेम एज वो इस चीज को किस लिए रिप्रेजेंट किया उन्होंने ये चीज़ किसने यूज की बिकॉज वो एक जो नेचुरल वो दिखाना चाह रही कि बिकॉज़ माइनॉरिटीज आर ऑलवेज ऑपरेस्ट दे हैव नो पावर नो वॉइस एंड नो अपेयरेंसन वी हैव अंकल बॉबी द नेम इंडिकेट द वेस्टर्न कल्चर एंड कॉस्ट टू ब्रिंग द नेगेटिव चेंज इन द सोसाइटी अब नेम अगर हम देखें हम सारे स्टोरी में सारे जो नेम थे वो एक ट्रेडिशनल हमारे नेम्स थे लेकिन अंकल बॉबी अब अंकल बॉबी वेस्ट से आए लेकिन वो वहाँ के ही रहने वाले हैं लेकिन उनका नेम अब बिल्कुल चेंज है बिकॉज ही बिलोंग टू फ्रॉम द वेस्टर्न कल्चर सो वो एक वेस्टर्न कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है और वेस्टर्न कल्चर क्या लेके आया है वहाँ पर नेगेटिविटी लेके आया है ठीक है उसने पूरी सोसाइटी को चेंज किया है He is a flat character who hasn't changed at all ठीक है हम इसमें क्या देखते हैं कि वो एक flat character रहे हैं जो कि बिल्कुल भी change नहीं हुए और ये भी अगर हम देखें critically way में so west हमेशा जो है पावरफुल वे में रहता है वो अपने cultures को अपने जो each and everything है वो उसको हमेशा वैसे ही रखता है जिससे उसकी चीजें मौजूद हैं लेकिन उनकी चीज़ों से क्या होता है कि बाकी जो सोसाइटी होती है वो इन्फ्लुएंस हो रही होती है ठीक है बाकी जो पीपल्स होते हैं बाकी जो कल्चर्स हैं वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं जैसे हिंदूज हो गए वी मुस्लिम्स हो गए हम उनके कल्चर से इन्फ्लुएंस होते हैं ठीक है और फिर हम ख़ुद अपने कल्चर को चेंज करते हैं फ्रॉम देम ठीक है हम उनकी तरह बनना चाहते हैं हम उनके कल्चर को को अडोप्ट करते हैं हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि हमारे कल्चर में नहीं है लेकिन वेस्टर्न कल्चर में हैं वो और वो हमें इन्फ्लुंस करती हैं हमें पसंद आती हैं हम उनके कल्चर को अडोप्ट करते हैं ठीक है लेकिन हमने कभी भी ये नहीं देखा कि जो वेस्टर्न पीपल्स हैं वो हिंदू का कल्चर अडॉप्ट कर रहे हो या फिर मुस्लिम्स का कल्चर अडॉप्ट कर रहे हो या डिफरेंट कंट्रीज़ के कल्चर्स को अडोप्ट कर रहे हो वो अपने आप को वैसे ही रिप्रजेंट करते हैं जैसे उनका कल्चर है ठीक है लेकिन वो अपने कल्चर से अपनी आइडेंटिटी से वो बा, बाकी जो उनके सराउंडिंग्स में पीपल हैं वो इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इसीलिए जो राइटर ने इस करेक्टर को भी जो है बिल्कुल फ्लैट करेक्टर रखा है बट ही टोटली चेंज द सोशल एटमोसफियर पीपल्स बिहेवियर एंड एवरीथिंग लेकिन राइटर कर, जो अंकल बॉबी बिल्कुल फ्लैट करेक्टर है लेकिन क्या हुआ है उनकी वजह से पूरा जो एटमोसफियर है पूरी जो मोहल्ला था पूरे एनवायरनमेंट जो था पूरा बिहेवियर जो था लोगों का एक दूसरे के साथ सब कुछ जो है बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया था उनके आने की वजह से ठीक है वेस्ट इज dominant ऑन अस एंड हाउ इट वॉन्ट टू कंट्रोल अस ये भी एक मेन पॉइंट है जो कि स्टोरी में हमें दिखाया गया है कि किस तरीके से वेस्ट हमारे ऊपर डोमिनेंट है और वो हमें कंट्रोल करना चाहता है जैसे अंकल बॉबी ने पूरे कम्युनिटी को होल्ड किया और वो एक सुपर हीरो बने मैन कम्युनिटी के अंदर और उन्होंने एक किसको होल्ड में लिया मैन को होल्ड में लिया बिकॉज द मैन वर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दियर सोसाइटी जब उन्होंने उस उनको होल्ड में लिया तो फिर जो उनके बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं चिल्ड्रंस हो गए वुमेंस हो गई वो भी अब उनके जो उनके बाउंड में ठीक है और वो अब उस कंट्रोल से बाहर नहीं निकल सकते ठीक है सो द वेस्टर्न कल्चर इज डोमिनेंट एंड इट इज कंट्रोलिंग but still वी आर bound लिविंग इन अ सेपरेट स्टेट बट स्टिल ठीक है हम हमारे पास अपनी एक सेपरेट स्टेट है हमारी एक अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी है हमारा एक अपना कल्चर है हमारा एक अपना ट्रेडिशन है बट स्टिल वी आर एडोप्टिंग देयर culture their identity their representation their culture and tradition their luxuries and their commerce because we are bound on them so this is about the story summary and uh, characters and then the world change is, is a book critical summary or the themes and symbols and different things up next video may upload karenge, so please subscribe इस वीडियो को प्लाजमी वॉश कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा थैंक यू